हेलो, अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएएस है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, रीट, पटवार, पीएसआई, राजस्थान पुलिस इत्यादि, तो इसके लिए तैयारी जो है वो ज़रूरी है। तैयारी का मूल्यांकन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, और तैयारी के मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ यस गुरु ऐप पर, जहाँ कक्षा 6 से 12 तक आरबीएससी एनसीईआरटी बुक्स के 5,000 से अधिक एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट है, वीडियो है, पीडीएफ है, वो सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो आप तलाश कर रहे हैं कोई अच्छा गुरु, तो डाउनलोड करें यस गुरु। नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक से हैं। अभी हम आपके सामने ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कक्षा 10 के बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरी पाठ्य पुस्तक से हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही अगर आप रीट की तैयारी करने वाले हैं या अन्य कंपटीशन एग्जाम की, तो जीके की दृष्टि से भी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान जो पाठ्य पुस्तक है बहुत ही सार गर्भित पाठ्य पुस्तक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको इसका मूल्यांकन करने के लिए वीडियो देखने के साथ साथ या तो पेन से आप उत्तर नोट करते जाएं ताकि आप सही मूल्यांकन कर सको। क्योंकि नहीं क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगा ये उत्तर सही, तो आपको लगेगा हाँ मैं भी सही सोच रहा था, आप नोट कर लीजिए उसको। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप वीडियो को पॉज करते जाएँ या फिर आप कमेंट करते जाएँ साथ साथ। तो ओके, पहला प्रश्न, 100 प्रश्न है तो आराम से दिल थाम के बैठिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मैं लगभग 5 सेकंड में रुकूंगा। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि पूरी किताब जो है आपके दिमाग में एक तरह से रिकॉल हो जाए, रिपीट हो जाए। तो गुप्त वंश का संस्थापक देखो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त, देखो श्री नाम है ना, श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आप ऐसे याद रख लेना। और श्रीगुप्त आया, उसके बाद में घटोत्कच आया, और उसके बाद में जो है वो आया चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में कुमारगुप्त। इस प्रकार से जो है ये बाद के हैं। तो पहला कौन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका स। और ये इस तरह से उत्तर लगी हुई पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? अशोक स्तंभ, कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ। चैनल पे आप नए हैं तो ये जो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेवे। अगर आपके रेड नाम लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसे रेड से हटा देवे, और जो बेल आइकन है घंटी, उसमें भी क्लिक करके ऑल कर देवे, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जैन, सारनाथ। तो क्या उत्तर होगा इसका बताइए। तो अशोक का जो प्रसिद्ध स्तंभ है सभी लोग जानते हैं, सारनाथ। ठीक है, वहाँ से जो सार ले लिया गया है, मतलब उसके ऊपर जो शेर वाली जो मूर्ति थी, जो चार दिशाओं में शेर है, वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी सब्जेक्ट के हैं इसमें, बताइए। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, तो उत्तर हो जाएगा इसका स। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, चार इसमें शामिल है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो उत्तर हो जाएगा इसका महानदी ब, और ये उड़ीसा में पड़ता है, और भारत का सबसे लंबा बांध है ये। इसके आप ट्रिक याद रखें, हीरो जो लोग हैं वो महान होते हैं, ऐसे कोई भी ट्रिक। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की विशेषता जो है जनता का शासन है, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इसकी प्रसिद्ध परिभाषा आपको याद होगी, जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, किसकी परिभाषा है कमेंट करें। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से क्या है? तो डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद जो है वो लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, एक ही बात है, पर्यायवाची है। तो उत्तर हो जाएगा द। और मैंने आपसे पूछा था जो परिभाषा, वो है अब्राहम लिंकन की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों को अंग्रेजी में कहते हैं एमपी। तो बताइए आप, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? तो एमपी बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष, सरपंच या पंच बनने के लिए आयु चाहिए 21 वर्ष, वोट डालने के लिए आयु चाहिए 18 वर्ष। ये मताधिकार की आयु है, ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा इसका स। राष्ट्रपति के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष। इस प्रकार से ये कुछ आयु वर्ग है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब लागू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986, ठीक है? शिक्षा नीति भी 86 में आई थी, आपको याद होगा। आपने नई शिक्षा नीति का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियोज में जाके या यहां ऊपर लिंक से देखें। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर वाले का लिख देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और फिर 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। तो हो सकता है उसका क्वेश्चन आगे आ जाए। नया वर्ष याद रखें, 1/1/2015 को नीति आयोग जो है स्थापित कर दिया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अब तो मोबाइल का जमाना है मगर फिर भी जीके का क्वेश्चन है। सोचिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3, 4। तो उत्तर हो जाएगा ग्राहम वेल। सही, ग्राहम बेल। बेल से ट्रिक याद रखें, बेल जैसे ऐसे होती है, टेलीफोन के तार होता था, ठीक है? तो ऐसे ग्राहम वेल। मेकाडम ने डामर वाली सड़कें, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया? कमेंट करें आपका एक्स्ट्रा नॉलेज। और रिचर्ड आर्कराइट ने किसका किया? कमेंट करके बताएं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अधिकांश पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें संस्कृत, पाली, हिंदी, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो मिले हैं भारत में, और भारत में लिपि है इसकी ब्राह्मी। पाकिस्तान में मिले हैं उसकी लिपि है ख्रोस्टी, और अफगानिस्तान में जो मिले हैं उसकी लिपि है अरामाइक और यूनानी। अरामाइक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, बताइए? तो औद्योगिक क्रांति जो है उसका 1760 ईस्वी से इसको माना जाता है प्रारंभ, और बड़े बड़े उद्योग धंधे जो स्थापित होने लग गए। तो उत्तर हो जाएगा इसका इंग्लैंड या ब्रिटेन, या अंग्रेजी में इसको यूके भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। राजधानी इसकी लंदन, और टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, ठीक है? तो उत्तर हो गया द। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऊपर मैंने दो कमेंट से आपसे पूछा था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ठीक है? अब हम राज्यसभा के पदेन सभापति की बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति, जैसे लोकसभा में स्पीकर या अध्यक्ष होता है, उस तरह से राज्यसभा के एक तरह से सभापति ये होते हैं उपराष्ट्रपति। कमेंट करके बताएं अगर दस्यु के आप बच्चे हैं तो उपराष्ट्रपति कौन है भारत के। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक, ये सो इस तरह से होगा, शोक का मतलब दुख, क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाती है उससे, तो किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों ए, दामोदर। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। गंडक ये गंगा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कर्नाटक आंध्र प्रदेश की नदी है। माही राजस्थान की नदी है, दक्षिण भारत की, दक्षिण राजस्थान की, और कर्क रेखा को दो बार काटती है। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस किस्म के लोहे में पाई जाती है, ये क्वेश्चन 10वीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस में होती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। कोयले की चार किस्में होती है, ए, बी, ली, पी। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ए वाला A1 सबसे बढ़िया, फिर ये थोड़ा घटिया, ये उससे और घटिया, ये सबसे घटिया। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, और राजस्थान में ये बीकानेर, बाड़मेर,
जालीपा कपूरडी गिरल आपने देखा सुना होगा, और भारत में तमिलनाडु नेवेली, इसकी वो बड़ी उत्पादक खान, और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रत्येक राज्य में पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से वो अलग हो गया इसलिए ये राजस्थान हो गया। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन को क्या कहते हैं? प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों के सदन को क्या कहते हैं? तो राज्य का पूछा गया ना, तो उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। ब, ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको लिखा हुआ उत्तर भी आपको चाहिए। चलो मैं इस पर टिक नहीं लगाऊं, है ना, उत्तर लिखा हुआ रखूं, क्या करूं बताऊं, ब, ताकि आप रिवीजन कर सको इस पीडीएफ का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए? तो अन्ना सागर अजमेर है, ताल छापर चूरू हम लोग इसके पास से ही है, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर जोधपुर। तो उत्तर हो जाएगा इसका द। अब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, थोड़ा विचार करना तो वीडियो को पॉज कर लें। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद इनमें से कौन सा है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसमें पूरे में 10-1% 5-7% रिपीट है, तो आप बुरा नहीं माने, 100 में से 90 तो मिलेंगे ही आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत सरल क्वेश्चन है। ब, धम्म का संबंध किससे है? तो धम्म के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अशोक का धम्म। तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते दिखाया गया है? अगर मैं इनकी व्याख्या करने लगा तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे का बन जाएगा। आप कहें तो कमेंट करके बताएं कि मुझे व्याख्या भी करनी चाहिए क्या। सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए तो संगीत का शौकीन, तो उत्तर हो जाएगा इसका ब। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया, प्रयाग प्रशस्ति, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की किस दिशा में है? तो ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। और अगर हम बात करें उत्तर और दक्षिण, ये माही नदी है, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी इसके बारे में थोड़ा सा आया था, तो आप एक इसकी ट्रिक याद रखें, सभा सम्मेलन सभा, सह से सतलज नदी, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार पुनः आपको याद दिला दें, 25 वर्ष लोकसभा के एमपी के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के एमपी के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, और ये है वयस्क मताधिकार की आयु। मार्क्सवादी लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है? तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सब कुछ व्यवस्था अर्थ के ऊपर वो मानता है, तो आर्थिक। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने एमपीज हैं? तो लोकसभा का पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 545। परंपरागत जल स्रोत यानी जो अपने कई सदियों से चले आ रहे हैं, खड़ीन टांका नाली सभी, तो उत्तर हो जाएगा इसका सभी, ठीक है, ये इसका उत्तर है। बिजोलिया किस जिले में है? तो बिजोलिया आंदोलन तो बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो उत्तर हो जाएगा ब, भीलवाड़ा में है, और पहले साधु सीताराम दास, उसके बाद में इसमें आ जाएगा विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान का पूरा इतिहास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यश गुरु ऐप के ऊपर, तो बहुत ही नाम मात्र के गुरु दक्षिणा पे आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। यश गुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ 6 से 10 तक की सामाजिक, 11-12 इतिहास, पॉलिटिकल, राजनीति, इनके क्वेश्चन भी रीट यानी एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ए, 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। तुंगभद्रा परियोजना का किस राज्य में स्थित है, संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर हो जाएगा इसका स, आंध्र प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना कब शुरू हुई? नदी है सतलज नदी, और राज्य भी हमने देख लिए, इसमें 4, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एचपी, हिमाचल प्रदेश। तो शुरू हुई थी 1948 में, जैसे ही देश आज़ाद हुआ बस काम शुरू, और 1963 में इसका लोकार्पण हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा।
पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो देखिए, वैसे तो खनिज भी है, वन भी है, मृदा भी है, मानव भी है, तो उत्तर हो जाएगा मानव, क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन है। भारत में 2011 की 10 के वृद्धि दर कितनी है? यहाँ देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बनाते समय कोई ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो इसमें पॉइंट इसमें होना चाहिए 17.5 जो है वो थी, ठीक है। तो उत्तर इसका 17.5 होगा। यहाँ हम वैसे मिलता जुलता कर सकते हैं, जबकि ये घनत्व दे दिया है। यहाँ नगर पालिका में सूचना अधिकारी कौन होता है बताइए? तो उत्तर हो जाएगा ईओ, इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं ये। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की? तो गोविंद गुरु ने एक तो जो है वो भगत पंथ, और एक थी संप सभा आंदोलन का, याद होगा आपको। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग कितने हैं? तो सप्तांग सिद्धांत इनका 7 अंग है, जैसे ये मैंने लिख भी रखे हैं, अमात्य जनपद स्वामी, अमात्य जनपद दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये इसके वो है, ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। तो मुगल वंश जो है उसका संस्थापक था बाबर, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के और मुगल वंश की नींव डाली। स्वेज नहर के निर्माता कौन थे? तो स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू 659 में शुरू हुआ, 69 में बनकर तैयार हो गई, तो 1869 याद रखें। और इसके संस्थापक थे लेसपेथ, पूरा नाम तो है फर्डिनेंड लेसपेथ, यहाँ लेसपेथ ही दिया है, ठीक है। और बाकी का उत्तर लिखूं क्या मैं यहाँ पे, इसका भूल गया था ठीक है। अगला है बागानी फसल, बागानी का मतलब जिनके बाग बगीचे होते हैं। तो चावल तो है नहीं, सब्जियां है नहीं, शिनकोना है नहीं, कुनेन वाला हो तो जूट हो जाएगा उत्तर स। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से की थी, 322 ईस्वी पूर्व ब उत्तर। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? संस्कृत, पाली, हिंदी, ब्राह्मी, तो ये बात आ चुकी है द। तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सेदार कौन सा राज्य है? तो इसके भी हम पढ़ चुके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। निम्न में से बागानी फसल, तो चाय भी है, कॉफी भी है, रबड़ भी है द। देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताएं? कोयला, तो कोयले का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर हो जाएगा इसका झारखंड की छत्तीसगढ़ कोयले में नंबर वन। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईस्वी पूर्व में हम अभी पढ़ चुके हैं, 322 से 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप क्या है? तो बावड़ी, नाडी, टांका, उपरोक्त सभी है। आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा झूमिंग भी कहते हैं, इसको बत्रा भी कहते हैं, इसको चिमाता भी कहते हैं, दजिया भी कहते हैं, ठीक है, कई नाम है इसके, दजिया, चिमाता और दजिया में भी फर्क है, कमेंट करके बताओ, देखें किस किस को जानकारी है। तो झूमिंग, राजस्थान को उनमें से किस खनिज में एकाधिकार है? जासपर, संगमरमर, चांदी, उपरोक्त सभी, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली? 50 क्वेश्चन हो गए, आधे लेवल पे आप आ गए हैं, आधी दूरी तय कर ली है, तो उत्तर हो जाएगा ब, धनानंद। महापद्मनंद तो नंद वंश का संस्थापक था और ये अंतिम शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक? तो ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, कुणाल शब्द याद रखें, उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ब। सड़क निर्माण का नया तरीका किसने निकाला? तो ये औद्योगिक क्रांति के समय की घटना है, डामर सड़क जो बनती है, तो मक्का डम इसी के नाम से डामर। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण, ये प्रश्न तीसरी बार आ गया है। निम्न में से किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर के रूप में जारी किए गए हैं, तो कक्षा 10 के आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
हो सकता है बोर्ड एग्जाम में हूबहू इन्हीं में से कई क्वेश्चन मिल जाएं आपको। इसके फिर अति लघु उत्तरात्मक भी लाऊंगा 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में, और आप जरूर इसको शेयर जरूर करें इस वीडियो को अन्य जो ग्रुप्स है जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है, ताकि उन तक ये पहुँचे और इसका रिविजन कर पाएँ वो। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी है? सोचें इस पर, विचार करें। लोकतंत्र वाला पांचवा पाठ शायद उसका है ये, तो उत्तर हो जाएगा इसका ब। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है। ये पाठ शुरू होता है शुरुआत में दे रखा है। कक्षा 10 की सामाजिकी किताब ये जो है, ये वाली है ना, ये किताब, इसी में से जो है ना ये तैयार किए हुए क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अर्नेस्ट बर्न्स, बर्न्स 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 हो जाएगा ए। भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कितने हैं? 245। ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत आधारित है, ये लास्ट वाले पाठ में से है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ब। 3R मतलब रिड्यूस रिसाइकल रीयूज। रिड्यूस का मतलब कम से कम कचरा पैदा करो, रिसाइकल पुनः चक्रीकरण करो, रीयूज पुनः उत्पादन पुनः प्रयोग। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को हटा के कब की गई? उत्तर हो जाएगा स 1 जनवरी 2015। अमित्रो चेटस यूनानी साहित्य में किसको जाना जाता है? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा अमित्र घात। अमित्र का मतलब दुश्मन, जो मित्र नहीं है उसके लिए घातक, तो कौन था? सनी देओल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बिंदुसार ए। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? शकों को हरा के, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। मेजाबांध किस जिले में स्थित है? मेजाबांध। तो इसकी एक ट्रिक है, मेज कठोर होती है, मेज होते हैं टेबल जिस पर बैठते हैं, तो उसे भिड़ना नहीं चाहिए। तो मेज कठोर होती है मतलब मेजाबांध कोठारी नदी के ऊपर है, भिड़ना मतलब भीलवाड़ा। तो उत्तर हो जाएगा स। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल मोटे अनाज इसमें आ जाते हैं, तो मक्का मूंगफली सोयाबीन उपरोक्त सभी, तो सभी है इसमें। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज नहीं है मतलब तीन अधात्विक है और एक धात्विक है, तो डोलोमाइट जिप्सम जस्ता अब्रक। तो क्या उत्तर होगा इसका बताओ? अधात्विक खनिज। अधात्विक नहीं का मतलब फिर वो क्या है? धात्विक है ना, अधात्विक नहीं है मतलब धात्विक है। तो जस्ता क्या है? शीशा, जस्ता चांदी धातु है, तो स उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना अवरक जिप्सम यह धातु नहीं है। यदि आप गुप्तकालीन लोहा स्तंभ देखना चाहते हैं तो कहाँ का भ्रमण करेंगे? अभी तो मत करना, लॉकडाउन है, बाद में कर लेना। तो उत्तर क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली में मेहरौली का लोहा स्तंभ है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था, और कुतुब मीनार के सामने है, उस पर आज तक जंग नहीं लगा, इसकी खास बात है। निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिक्के में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। भूमध्य सागर और लाल सागर, भूलना मत आप। तो ये ट्रिक हो गई, भूला। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, कौन सी नहर है? स्वेज नहर। और अभी हमने पढ़ा था फर्डिनेंड लेसेप इसका इंजीनियर था, लेसपेथ, और 1869 में बनकर तैयार हुई थी। भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न से किस नदी पर स्थापित है? भाखड़ा नांगल, तो ये सभा, तो बै ट्रिक याद होगी आपको। कौन सा युग्म सुमेलित है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, फतेह सागर जोधपुर सुमेलित है, यहाँ सुमेलित नहीं है, पूछा जाना चाहिए था। तो ये है, ये है, ये नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा द। कहाँ पर है ये? सही उत्तर हो जाएगा इसका उदयपुर। अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष में बोध गया? बोध नामा नहीं है, बोध गया, गया था, बोध गया, गया था। तो 269 में राज्याभिषेक हुआ ईस्वी पूर्व में, और 259 ईस्वी पूर्व में वो बोध गया की यात्रा की, यानी 10वें वर्ष में है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक करके बता सकते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन अच्छा लगा, ठीक है, लाइक करें। नहीं लगा तो डिसलाइक करें, प्रश्न जचे नहीं वो अलग बात है, और कमेंट भी करें। मयूराक्षी और फरक्का परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मयूराक्षी, तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक भारत में पंजाब है या यूपी है बताओ? तो उत्तर है इसका स,
यूपी है ना, ये है। हालांकि पंजाब में प्रतिशत ज्यादा है पर यूपी में कुल मिलाकर ज्यादा है। किस खनिज के उत्पादन के भारत का विश्व का पहला स्थान है, विश्व में फर्स्ट है अपन, कौन से खनिज में, अभ्रक में, कोयला, बॉक्साइट या लोहा? तो देखो लोहे में तो है नहीं, लोहे में तो रूस है, बॉक्साइट कोयला कोयले में भी नहीं है, तो अभ्रक हो जाएगा ए उत्तर। गुप्त वंश का संस्थापक, तो देखो श्री गणेश कर दिया सबसे पहले, तो श्री गुप्त 240 से 280 ये रहा। बाबर ने अपनी दिनचर्या लिखी तुजु के बाबरी किस भाषा में, ये प्रश्न आया था मैंने जब पीटीटी दिया था ना एग्जाम, उस टाइम एग्जाम में आया हुआ ये। तो तुजु के बाबरी मूल नाम है और इसको वैसे बोलचाल में बाबरनामा बोलते हैं, बाबरनामा। इसमें आत्मकथा बहुत शानदार तरीके से लिखी है, शानदार भाषा में लगभग ईमानदारी से। तो तय से तुजु की, तो तय से तुर्की, तो वह उत्तर हो जाएगा। सातवाहन वंश की नींव किन नदियों के घाटे में डाली गई, सातवाहन, तो क्या लग रहा है आपको, ये लोग क्या है दक्षिण भारत से आए थे तो इसलिए इनको आंध्र भी बोलते हैं, आंध्र। फिर ये मगध पर शासन करने लगे थे हसीनामासु का साथ, एक ट्रिक है। तो कण्व वंश के बाद ही आए थे सातवाहन वंश। हिस्ट्री के भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, आप कहेंगे तो एप पे लगाएंगे पूरा कोर्स। तो उत्तर हो जाएगा गोदावरी व कृष्णा, द। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण, द, ये तो तीन बार आ गया। आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि, तो ये भी रिपीट हो गया, झूमिंग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि प्रारंभ की, ये बताओ आप, 1930 तो है, क्या है बताओ, मार्च है कि अप्रैल है, क्या है? तो उत्तर हो जाएगा देखो मार्च है ना, 12 मार्च, 12 के आधे कर दो 6 अप्रैल को वो पहुंचे और दांडी पहुंच के नमक बनाया। ओ 91 के बाद में, 81 के बाद में सीधा 91, चलो कोई बात नहीं। तो यदि आप गुप्तकालीन लोह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप किस स्थान का भ्रमण करेंगे, ये भी रिपीट हो गया, स, भूमध्य सागर, भूला, ठीक है, स्वेज नहर, ब, बाकड़ा नांगल परियोजना, स, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। हिंदी अनुवाद का, अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद से कौन सा है, कौन से अंग्रेजी शब्द का, तो ये भी, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने नहीं बनाए, बने बनाए आए हैं बोर्ड के द्वारा, शाला दर्पण से लिए हमने। तो आप फिर भी 5-7 क्वेश्चन को छोड़े तो भी 90 नहीं तो 80 तो मिले होंगे कम से कम नए। नालंदा विश्वविद्यालय, कुणाल कुमार गुप्त, बैट्रिक याद होगी आपको। सड़क निर्माण, डाम मकाडम, पश्चिम बंगाल का शोक, ए, नीति आयोग, स। तो ये हो गए। अब आगे देखो ये क्वेश्चन और है, ये यति लघु उत्तरात्मक है, इनको अपन रिपीट करेंगे। ये भी देखो प्लासी वगैरह, हर्षवर्धन, तो इनको अगले वीडियो में रिपीट करेंगे, नहीं तो क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।